लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितने तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे फर्स्ट है उसमें अपने एडिशन रिएक्शन, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, इसमें ऐड होंगे, ठीक है, दो चीज़ें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो लाइक जैसे यहाँ दिखा रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है ए प्लस बी मिल के ए बी बन रहा है, इट मीन्स दे आर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी एडेड। इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं, द केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, उनको क्या बोलते हैं हम, एडिशन रिएक्शन, यानी दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके, यानी ऐड होके, कंबाइन, कंबाइन का मतलब क्या है, ऐड होना, तो कंबाइन कर होके यानी ऐड होके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, उसे अपन कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो जैसे कि यहाँ हो रहा है ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट मिल के जुड़ के क्या बना रहे हैं, ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, ये अपन पढ़ते आए हैं कितनी बार ही ये रिएक्शन, यानी सी कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट ऐड होके क्या बना रहे हैं, सी ओ टू। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एम जी प्लस ओ टू गिव्स एम जी ओ। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दे रखा है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसे इथीन कहते हैं, इसे कहते हैं ई टी एच ई एन ई, इथीन कहते हैं, प्लस एच टू हाइड्रोजनेशन करते हैं इसमें इथीन का, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल। देखो यहाँ ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और ये सब इसका टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है, इतना इसको टेम्परेचर चाहिए और इतना प्रेशर चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड वाला सी एच थ्री डैश सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड आ जाता है, यानी डबल बॉन्ड हटाना हो तो वहाँ ये रिएक्शन काम आ सकती है, ठीक है। इसे हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन भी कहते हैं इस रिएक्शन को। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट वर्ड से आप क्या समझते हो, रिप्लेस करना, यानी किसी की जगह ले लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी दो रिएक्टेंट है, देखो यहाँ पे ए बी है और एक सी है, तो इसमें से सी क्या करेगा, किसी एक की, ए या बी में से किसी एक की जगह ले लेगा, और किसकी जगह लेगा वो डिपेंड करता है, लाइक ए की लेगा या बी की, उनकी स्ट्रेंथ पे, लाइक बी की स्ट्रेंथ कम है या ए की स्ट्रेंथ कम, तो जो वीक होगा उसको अपनी जगह से हटा देगा सी और उसकी जगह आके लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बी आएगा, ध्यान रखना यहाँ सी लिखा है, इट इज़ नॉट सी, ए सी प्लस बी बन जाएगा। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो डिस्प्लेसेस एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अनादर रिएक्टेंट, तो एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हटा देता है अपनी जगह से, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो इन दिस रिएक्शन बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट ब्रेक्स, तो ए बी के अंदर जो बॉन्ड था यहाँ पे वो तो टूट जाता है, ठीक है, और दूसरा बॉन्ड, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, तो दूसरा बॉन्ड बन जाता है ए और सी के बीच में, तो पहले जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देखो, सी यू एस ओ फोर प्लस जेड एन प्लस जेड एन एस ओ फोर गिव्स जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू। अब देखो जिंक ने किसको रिप्लेस कर दिया है, कॉपर को, क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसकी ताकत पावर जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑन मिक्सिंग जिंक पीसेज इन ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इसमें अगर जिंक के पीसेज डाल देते हैं तो ब्लू कलर ऑफ सी यू एस ओ फोर सोल्यूशन डिसअपियर, क्यों, क्या क्या हो जाता है, देखो ब्लू कलर का कोई सोल्यूशन है उसमें मैंने जिंक डाल दिया, यानी सी यू एस ओ फोर मैंने जिंक डाल दिया, तो अब जिंक सी यू एस ओ फोर का कलर ब्लू था कॉपर की वजह से, कॉपर सल्फेट के साथ प्रेजेंट था, अब क्योंकि ये जिंक डालते ही जिंक ने उसको रिप्लेस कर लिया, यानी जेड एन एस ओ फोर बना लिया, तो वो ब्लू कलर भी चला जाना चाहिए, है ना, तो वो ब्लू कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, एंड सी यू इज़ प्रिसिपिटेटेड। तो ये जो आपका सी यू है, ये बी जो था सी यू आपका अलग जो हो गया था, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ प्रिसिपिटेट हो जाता है, तो सी यू प्रिसिपिटेट हो जाएगा यानी नीचे आके जम जाएगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ जिंक एसएफओरिन सॉल्यूशन अकर्स, ठीक है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मैंने बताया था अभी जिंक ने उसको डिस्प्लेस क्यों किया, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल एंड सी यू इज लेस रिएक्टिव, सो जिंक डिस्प्लेसेस सी यू फ्रॉम सी यू एस ओ फोर। देखो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, पहले सोल्यूशन ब्लू कलर का था सी यू एस ओ फोर, इसमें जैसे जिंक क्रिस्टल डाले तो ब्लू कलर जो चला गया, क्या बन गया, जिंक एस ओ फोर, और सी यू नीचे आके जम गई, ये जो डैश 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 वाली चीज़ है वो जिंक एस ओ
ZnSO4 है, जिंक सल्फी। और जो ये जम गए हैं वो क्या है, Cu कॉपर आपका, और ब्लू कलर जो था वो चला गया है। अब देखो कुछ आपको एक टेबल दी है, अब देखो आपको एक टेबल दी हुई है, ये इसमें एक्टिविटी सीरीज लिखा है ऑफ सम एलिमेंट, यानी जो आप स्टार्टिंग की 18 एलिमेंट्स पढ़ते आ रहे हो उनकी रिएक्टिविटी दे रखी होती है, या उनके अलावा भी कुछ इसमें एडेड होते हैं। तो देखो, मेटल्स अबव एच आर मोर रिएक्टिव देन एच, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, इससे ऊपर जितने भी हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और नीचे वाले क्या हैं उससे कम रिएक्टिव, ठीक है। यानी सिल्वर गोल्ड, देखो आपको पता है सिल्वर गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए अपन इनकी ज्वेलरी भी बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको इसके नीचे ही आना है। तो आपको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो याद रखनी है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है, क्योंकि आपको पूछ सकता है वो क्वेश्चन में कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, तो आपको जब तक ये टेबल याद नहीं होगी आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रख लेना है, ऊपर से नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी कम हो रही है, यानी के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव एन ए, उससे कम सी ए, उससे कम एम जी, उससे कम जेड एन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टेबल याद कर लेनी है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट, जो भी अपन रिप्लेसमेंट पढ़ के आए वैसी सेम रिएक्शन है, बट इस बार क्या होता है डबल। डबल कैसे, वहाँ पे आप देख रहे थे ए बी और प्लस सी था, यानी सिंगल एलिमेंट था वहाँ पे दूसरा जो रिएक्टेंट था अपना उसमें, अब यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे डबल वाले होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक्सचेंज कर लेंगे, डबल रिप्लेसमेंट, यानी एक सी इसमें चला जाएगा या फिर जो भी सी या डी में से, और एक इसमें चले जाएगा, यानी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके की रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, क्योंकि इस बार दोनों रिएक्टेंट के डिस्प्लेस हो रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक जगह से ही हट रहा था, ठीक है, आर डिस्प्लेस म्यूचुअली, यानी आपस में, एंड न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, और न्यू कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, प्रोडक्ट न्यू बन जाता है। सम पार्ट ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डिस्प्लेस म्यूचुअली एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कुछ पार्ट दोनों रिएक्टेंट के बदल जाते हैं, यानी ए बी में से बी बदल गया और डी आ गया, है ना, और इस तरह से नया प्रोडक्ट बन गया। इसका एक एग्जांपल है SO4- ऑफ कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसेस OH- ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट का क्या है, CuSO4 होता है आपको पता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। अब CuSO4 प्लस NaOH का अगर डिस्प्लेस करें तो ये क्या बता रहा है कि कॉपर जो है वो OH के साथ चला जाता है, ठीक है। SO4- आयंस कॉपर सल्फेट का किसको डिस्प्लेस कर लेता है, NaOH में से OH- आयन को डिस्प्लेस कर लेता है, और क्या बना लेता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बना लेता है, देयर इज सम मिसप्रिंट इन दिस PDF, सो आई एम स्टॉपिंग हियर राइट नाउ, टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, ओके। तो ये आपको तीन टाइप की रिएक्शंस है जो आपको याद कर लेनी है आज के लिए, ठीक है। और दिस रिएक्टिविटी सीरीज़, ये जो टेबल है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको ज़रूर याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, थैंक यू।